जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है जेके और आप देख रहे हैं टेक्निकल बोली। दोस्तों आज की वीडियो में अपने नाम का और लोगो का सब्सक्राइब बटन बनाना सीखेंगे। कुछ इस तरह से अपने नाम का और अपने लोगो का सब्सक्राइब बटन बना सकते हैं आप YouTube के लिए। ये देखिए काफ़ी बढ़िया लगता है सब्सक्राइब बटन और बड़े ही आसानी से बन जाता है। इसके लिए आप किसी भी वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर का यूज़ कर सकते हैं। चलिए मैं इसको बनाने के लिए काइन मास्टर का यूज़ करता हूँ। चलिए एक प्रोजेक्ट ले लेते हैं। चलिए सबसे पहले हम एक सॉलिड कलर यहाँ पर ले लेते हैं। चलिए मीडिया पर जाते हैं, बैकग्राउंड पर जाते हैं और एक सॉलिड कलर यहाँ से ले लेते हैं। ये देखिए, चलिए इसको थोड़ा सा टाइम लाइन पर बड़ा कर लेते हैं। अब इसका हम कलर चेंज कर लेते हैं। चलिए यहाँ पर हम ग्रीन कलर ले लेते हैं, जिससे कि क्रोमा की पे ये रिमूव करने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होती है। चलिए अब जाते हैं हम लेयर पर और वो सब्सक्राइब बटन ले लेंगे जो हमें एडिट करना है। चलिए मैंने एक सब्सक्राइब बटन ले लिया है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ये देखिए, आप चाहें तो इसके साइज़ को भी छोटा या बड़ा कर सकते हैं। ये देखिए कुछ इस तरह से। चलिए अभी आप देख पा रहे होंगे कि जो सब्सक्राइब बटन है और पीछे जो बैकग्राउंड का जो कलर है वो थोड़ा सा अलग अलग है। चलिए आप चाहें तो इसको भी सेट कर सकते हैं। देखिए क्रोमा की पर जाएंगे आप और इसको इनेबल कर देंगे तो पीछे का जो हमारा बैकग्राउंड का कलर है वो ऊपर आ जाएगा, यानी कि जो सब्सक्राइब बटन पर जो कलर था वो रिमूव हो गया है। ये मैंने आपको बताया है ताकि आपका कलर जो है डिफरेंट भी हो सकता है, उस तरह से आप इसको यहाँ पर सेट कर सकते हैं। चलिए मैं इसको पहले की तरह ही रहने देता हूँ और इसको फुल स्क्रीन कर लेता हूँ। चलिए लेयर पर जाएंगे और मीडिया पर जाकर गैलरी में से हम एक अपने चैनल का लोगो ले लेंगे। जिस भी चैनल के लिए हमें ये सब्सक्राइब बटन बनाना है उसका एक लोगो ले लेते हैं। देखिए मैं अपने चैनल का यानी कि टेक्निकल बोली का जो लोगो है यहाँ पर ले लेता हूँ। उसके साइज़ को आप सेट कर सकते हैं। ये देखिए अभी आप देख पा रहे होंगे कि जो मेरे लोगो का जो कलर है वो भी ब्लैक है और जहाँ पर हमें लोगो लगाना है वहाँ पर भी राउंड कलर का जो सर्कल है वो भी ब्लैक है। चलिए इसको के लिए हम एक लेयर पर जाकर एक सॉलिड कलर फिर से ले लेते हैं और यहाँ पर वाइट कलर में इसको बदल लेते हैं। ये देखिए वाइट कलर हो गया है। अब इसको हम अपने जो ब्लैक कलर का जो राउंड सर्कल है उसको ढक देते हैं, यानी कि इसके ऊपर ले आते हैं। चलिए क्रोपिंग पर जाकर मास्क में जाकर इसकी शेप को भी राउंड कर लेते हैं। ये देखिए इसको राउंड कर लिया है और इसको ब्लैक सर्कल के ठीक ऊपर ले आते हैं। चलिए यहाँ पर जाके लोगो को ब्रिंग टू फ्रंट कर लेते हैं और इसको सेट कर लेते हैं। ये देखिए लोगो हमारा सेट हो गया है। अब हम एक लेयर पर जाएंगे और टेक्स्ट पे अपने जो चैनल का नाम है उसको टाइप कर लेंगे। चलिए यहाँ पर मैं अपने चैनल का जो नाम है टेक्निकल बोली उसको यहाँ पर टाइप कर लेता हूँ। ये देखिए टेक्निकल बोली, ये देखिए। चलिए इसको कर देते हैं ओके। ये देखिए इसका जो कलर है अभी टेक्स्ट का वाइट है। चलिए कलर पर जाकर इसके कलर को चेंज कर लेते हैं, यहाँ पर ब्लैक कर लेते हैं। कलर को आप चाहें तो ग्लो कर सकते हैं, आउटलाइन लगा सकते हैं, काफ़ी तरह के यहाँ पर टेक्स्ट में आप चेंजिंग कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर शेडो आप लगाना चाहें शेडो लगा सकते हैं, आउटलाइन चाहें तो आउटलाइन लगा सकते हैं। चलिए मैं इसको ब्लैक ही रहने देता हूँ। आप चाहें तो इसका फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर फॉन्ट पर आते हैं और यहाँ पर फॉन्ट भी इसका चेंज कर लेते हैं। ये देखिए फॉन्ट को यहाँ पर सेट कर लिया है। चलिए टेक्स्ट को भी यहाँ पर सेंटर में कर लेते हैं। चलिए अब इसमें एनिमेशन ऐड करते हैं। चलिए अपने सब्सक्राइब बटन को सबसे पहले सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर इन एनिमेशन पाएंगे। ये देखिए काफ़ी तरह के एनिमेशन यहाँ पर मिल जाते हैं, फेड, पॉपअप, स्लाइड राइट, स्लाइड लेफ्ट। हम जो यहाँ पर एनिमेशन यूज़ करेंगे वो स्लाइड अप का करेंगे। ये देखिए यहाँ चाहें तो इसकी स्पीड को भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन हम स्टैंडर्ड पर ही रहने देते हैं, यानी कि एक पर। ये देखिए हम सब्सक्राइब बटन में अपने जो एनिमेशन है इन एनिमेशन लेंगे स्लाइड अप का और आउट एनिमेशन लेंगे स्लाइड डाउन का। चलिए हम आउट एनिमेशन पर आते हैं और यहाँ पर स्लाइड डाउन यहाँ पर ले लेते हैं। ये देखिए इसी तरह से हम अपने चैनल का जो नाम है टेक्स्ट है उस पर भी इन एनिमेशन स्लाइड अप और आउट एनिमेशन स्लाइड डाउन सभी में एक जैसा एनिमेशन लगाएंगे तभी वो सिंक होकर के ऊपर जाएगा और ऊपर से नीचे आएगा। चलिए लोगों में भी इसी तरह से लगा लेते हैं, इन एनिमेशन स्लाइड अप और आउट एनिमेशन स्लाइड डाउन। ये देखिए स्लाइड डाउन। चलिए एक बार इसको प्ले करके देख लेते हैं। ये देखिए हमारा वाइट वाला जो सर्कल है ये रह गया है। चलिए इसमें भी हम एनिमेशन लगा लेते हैं जिससे ये भी सिंक हो जाए।
चलिए इन एनिमेशन में स्लाइड अप और आउट एनिमेशन में स्लाइड डाउन। ये देखिए स्लाइड डाउन। चलिए इसको एक बार प्ले करके देख लेते हैं। ये देखिए स्लाइड डाउन में आप देख पा रहे होंगे जो हमारा लोगो है वो सिंक नहीं हो रहा है, उसकी वजह है इसकी लेंथ थोड़ी ज़्यादा है। ये देखिए सब्सक्राइब बटन के बराबर ही इन सबकी लेंथ हमें करनी है जिससे कि ये पूरी तरह से सिंक हो जाएंगे। चलिए अब इसको प्ले करके देखते हैं। ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट तरीके से ये सिंक हो रहा है। चलिए मैं क्रोमा की को भी इनेबल कर लेता हूँ जिससे कि जो नीचे वाला जो कलर है वो ऊपर शो करे, यानी कि जो फ्लोरोसेंट कलर है ग्रीन कलर है वो सामने आ जाए, जिससे कि बाद में रिमूव करने में काफ़ी आसानी होगी। चलिए इसको कर लेते हैं अब एक्सपोर्ट। 1080p में मैं इसको एक्सपोर्ट कर लेता हूँ जिससे कि क्वालिटी बढ़िया आए। चलिए ये एक्सपोर्ट हो रहा है। ये देखिए इसको एक बार प्ले करके देख लेते हैं। चलिए इसी वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसको अपने वीडियो में कैसे ऐड करना है। चलिए एक प्रोजेक्ट ले लेते हैं दोबारा से और गैलरी से अपने वीडियो की एक क्लिप ले लेते हैं। चलिए मैं अपने एक वीडियो को ले लेता हूँ यहाँ से। चलिए वीडियो काफ़ी लंबी है तो मैं इसको थोड़ा सा कट करके छोटा कर लेता हूँ। चलिए इसको मैंने कर लिया है ट्रिम। अब लेयर पर जाएंगे और गैलरी से जो आपने अभी सब्सक्राइब बटन बनाया है एक्सपोर्ट किया है उसको यहाँ पर ले लेंगे। ये देखिए आप चाहें तो इसको क्रॉप भी कर सकते हैं, यानी कि जितना भी सब्सक्राइब बटन हमारा है उसके हिसाब से आप इसको क्रॉप कर सकते हैं। क्रॉप नहीं भी करेंगे तो भी चल जाएगा, लेकिन हम बेकार में ग्रीन स्क्रीन जो है फालतू की हटा देते हैं क्रॉप करके। चलिए इसको कर लेते हैं क्रॉप। ये देखिए चलिए इसको अब सेट कर लेते हैं। इसके साइज़ को भी आप कम ज़्यादा करना चाहें तो कम ज़्यादा कर सकते हैं। चलिए मैं एक मीडियम साइज़ पे रहने देता हूँ और इसको सेंटर में जो है सेट कर लेता हूँ। चलिए अब क्रोमा की पर जाएंगे। चलिए क्रोमा की को इनेबल कर देते हैं और ग्रीन स्क्रीन यहाँ पर आप देख सकते हैं हट गई है। आप ग्रीन स्क्रीन को थोड़ी सी सेटिंग इसकी थोड़ा सा टाइम लेके कीजिएगा जिससे कि ये पूरी तरह से क्लियर हो जाए। मैं अभी आपको बताने के लिए कर रहा हूँ। देखिए इस तरह के ग्रीन स्क्रीन वाले कॉपीराइट फ्री सब्सक्राइब बटन आप कहाँ से ले सकते हैं वो भी मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और ग्रीन स्क्रीन ही नहीं, आप किसी भी तरह के कॉपीराइट फ्री इमेजेस हों या वीडियो हों आप इस वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले अपने क्रोम ब्राउज़र पर आ जाना है और यहाँ पर जो पिक्सल करके जो वेबसाइट है उसको ओपन कर लेना है। यहाँ पर आप सर्च कर लेंगे ग्रीन स्क्रीन सब्सक्राइब बटन। ये देखिए ग्रीन स्क्रीन सब्सक्राइब बटन हमने यहाँ पर टाइप कर लिया है, लेकिन यहाँ पर एक भी नहीं आया है। उसकी वजह है कि हमने जो भी जो कैटेगरी है वो फ़ोटो सिलेक्ट की हुई है। चलिए यहाँ पर हम कैटेगरी को यहाँ पर वीडियो सिलेक्ट कर लेते हैं जिससे कि तमाम ग्रीन स्क्रीन के ऑप्शन यहाँ पर आ जाएंगे। ये देखिए काफ़ी तरह के ग्रीन स्क्रीन सब्सक्राइब बटन यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं और बिल्कुल कॉपीराइट फ्री हैं। यहाँ पर जाकर आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये देखिए आप चाहें तो इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखिए तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए जिससे कि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो ऐसे ही कुछ काम की वीडियो लेकर मैं आपके सामने आता रहूँगा। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए टेक्निकल बोली। जय हिंद दोस्तों।